There are some serious problem with ISKCON people. In this video, मैं पूरा बताऊंगा, so end तक जरूर देखिए। हरे कृष्णा, अरे अरे, आपके उंगलियां मेरे लाइक और सब्सक्राइब बटन्स में क्यों नहीं आते? 96% of my viewers are not subscribed. मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग सहायता कीजिए। लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और कमेंट्स कीजिए। अगर फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो जीपे में दीजिए और मेरा ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, देखिए जरूर देखिए। मेरे हिसाब से ISKCON बहुत अच्छा काम कर रहा है। लॉर्ड कृष्णा का वर्ड्स पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ISKCON के अंडर में कुछ गुरु लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई अफेयर हो, लेकिन उनके वीडियोज़ यूट्यूब में हैं, तो मैं एक दो वीडियो के ऊपर रिएक्ट करके आपको समझाना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फर्स्ट हम एक गुरु का स्पीच सुनेंगे। You know that rascal, Sadhguru, I don't know whoever listens to him, he's a rascal, let me tell you the story. So, video शुरू होते ही हमने सुन लिया, Sadhguru is a rascal. और ये ISKCON के गुरु का बात है. लेकिन मेरा जितना understanding है Krishna के बातों का, कि ये दुनिया Krishna में, ये universe Krishna में बसा है. हर कोई Krishna है, Krishna में हर कोई है. तो आप Sadhguru को rascal बोल रहे हैं, तो Krishna को भी आप rascal बोल रहे हैं. You know better, Guruji. Right away. He's a rascal number one. He says, oh, how do you know you have created this, you know, these forms of God? He's an atheist number one and he knows how to twist the words like anything. लेकिन सनातन का जो चार वेद है, ऋग, साम, यजु, अथर्व, उसमें तो बोला गया है कि आप गॉड का फॉर्म बना सकते हैं, बिना फॉर्म के गॉड को भी पूछ सकते हैं, हर कण कण में बसा है भगवान। सो गॉड का, अगर कोई गॉड का फॉर्म बनाता भी है और या फिर नहीं भी बनाता है, तो उससे एथिस्ट होने का क्या मतलब है? Guruji, I don't understand you, seriously. He is saying everything against Bhagavad Gita. Whatever Bhagavad Gita says, his conclusions are always opposite. Sadhguru ne hamesha Gita ke opposite mein hi baat kiya hai. Wow, can you imagine this? Seriously, Guruji. He is saying, you have created, you know, Krishna, Ram according to your imagination, according to your form. Haan, baat to sahi hai. Har koi insaan Krishna ko apni imagination ke tarah hi poojta hai. Main sochta hoon Krishna is a god of devotion. डिवोशन के साथ उनमें लीन हो जाऊं। कोई सोचता है कि कृष्णा इज अ ग्रेट वॉरियर क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र का वॉर जीता है, जितवाया है उन्होंने। कोई सोचता है कि कृष्णा इज ए प्ले बॉय क्योंकि वो गोपियों के साथ बहुत, मतलब, रोमांटिसाइज करते हैं। तो हर कोई अपने तरह ही कृष्णा को देखता है, बात तो सही है। हाँ, ये तो हो भी सकता है। एक सांप सोच सकता है कि मेरा भगवान सांप की तरह ही देखता होगा, एक बंदर सोच तक सकता है कि मेरा गॉड हनुमान जी है, एक गाय ये सोच सकता है, मतलब बफेलो ये सोच सकता है कि गाय माता ही भगवान है। डेमोक्रेसी है गुरुजी, क्या बोल रहे हैं? And he says clearly, I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I have never studied anything. Then our question is, why are you then talking about it? Keep quiet. Don't talk about it. Again, democracy, Guruji. Why keep quiet? आप बोल रहे हैं सदगुरु के अगेंस्ट, सदगुरु नहीं बोल सकता कुछ, क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? सो ऑल इन ऑल बात ये है कि मैं जो बोलूँ वो सही है, कोई और अगर कुछ बोले मेरे बारे में या मेरे बिलीफ के बारे में तो वो गलत है। ऐसा तो नहीं चलता गुरुजी। अगेन डेमोक्रेसी गुरुजी। जोक्स अपार्ट, ज़रा गुरुजी का बिहेवियर देखिए। शट अप, कुछ नहीं बोलना। ऐसा तो नहीं है। आई थिंक ISKCON इज अ पाथ ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा। तो अगर आप कृष्णा की तरफ डिवोटेड हैं, सो हाउ कम यू गेट टाइम टू कॉल समवन रास्कल, समवन लाइक सदगुरु? I don't think you should call anyone rascal, क्योंकि ये यूनिवर्स में कृष्णा लीन है, कृष्णा में ये यूनिवर्स है, कण कण में भगवान बसते हैं। तो सदगुरु भी भगवान का पार्ट है, मैं भी गॉड का पार्ट हूँ, हर कोई, आप भी गुरुजी गॉड का पार्ट है। तो आप किसी को बिना वजह या फिर उसके ओपिनियन के रिगार्डिंग रास्कल क्यों बोल रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। देन नेक्स्ट, ये गुरुजी, इनके बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं इनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत पहले से ही ट्रोल हो चुके हैं और मैंने भी इनके बारे में एक शॉर्ट्स बनाया ही था कल। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो और भी बहुत सारे गुरुजी हैं ISKCON के जो ऐसे, मतलब, कुछ भी बोलते रहते हैं कहीं पर भी, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इनकी तरह नहीं बनना चाहता। कोई कुछ बिलीव करता है, कोई अपनी तरह गॉड को मानता है, मानने दो। आप कृष्णा में बिलीव करते हैं, करिए। कोई आपके बारे में या कृष्णा के बारे में क्या बोल रहा है या फिर गीता के बारे में क्या बोल रहा है, डजंट मैटर ना। हाँ, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन किसी को स्ट्रेट अप रास्कल बोल देना, शट अप, डोंट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट, ऐसा बोल देना, डेमोक्रेसी गुरुजी। और फॉर द क्लैरिफिकेशन, मैं खुद
इस्कॉन को थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हूँ। मैंने मेरे घर में कभी भी इस्कॉन का कोई बुक नहीं आया है, लेकिन मैं खुद अपने माँ को इस्कॉन का ये जो श्रीमद् भागवत है बंगला फॉर्म में ला के दिया हूँ पढ़ने के लिए। वो पढ़ते हैं हर दिन पूजा के टाइम में। और मेरे पास खुद इसका इंग्लिश वर्जन जो गीता एज इट इज़ है मैं रखता हूँ अपने पास, कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाला मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है। तो आई डो नॉट हैव एनी इशू या प्रॉब्लम विथ इस्कॉन, बट द थिंग इज़ जब आप किसी को स्ट्रेट अप रास्कल बोलेंगे, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क गुरुजी। इतना ही मेरा ओपिनियन है, लिव एंड लेट लिव। तो बस आज इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।